और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। दिन है आज सैटरडे का, डेट है 28 मार्च, और अभी मैंने चाय नहीं बनाई है। तो आज मैं सुबह के 7:30 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और सबसे पहले मैं चाय बनाऊँगी और उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे दिन भर में। और सुबह की चाय मेरे लिए बहुत जरूरी होती है। आजकल मैं सुबह सुबह की चाय आराम से बैठ के सुकून से पीती हूँ, कोई भागम भाग नहीं है। और मेरा मन करता है लॉकडाउन और काफी दिनों तक है, एंजॉय कर रही हूँ मैं अपना ये टाइम। मुझे कोई बोरियत नहीं हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। सब घर पे ही हैं, सब सुकून से है, भागम भाग वाली जिंदगी से कुछ दिन रिलैक्स है ऐसा लग रहा है। हमने सब ने रिलैक्स होने के लिए छुट्टियाँ ले ली हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं तो उसका इफेक्ट पॉजिटिव ही आता है। मुझे तो बिल्कुल भी बोरियत नहीं हो रही है। और दूसरी चीज़ ये कि हमें इसलिए असर नहीं पड़ता क्योंकि हम रोज़ रोज़ बाहर नहीं जाते। मैं वैसे भी बाहर बहुत कम जाती हूँ, बहुत बेटे या हस्बैंड के बहुत कहने पे या कोई बहुत ज़रूरी काम हो जाए जो मेरे बिना होगा ही नहीं तब बाहर जाती हूँ। तो मुझे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कि मुझे बंद बंद लग रहा हो या मुझे बोरियत हो रही हो। मैं तो अपने रूटीन में ही हूँ, सुबह उठती हूँ, खाना बनाती हूँ, काम करती हूँ, सफाई करती हूँ, अपने रूटीन में हूँ। मैं यूट्यूब का काम करती हूँ, रूटीन गड़बड़ हुआ है अंश का और अंश के पापा का, तो उन लोगों से पता करना पड़ेगा उन लोगों को बोरियत होती है कि नहीं। अंश तो कह रहा था मुझे खेलने जाने का मन कर रहा है, मुझे बाहर जाने का मन कर रहा है। उसने सोच के रखा था कि जैसे उसकी छुट्टियाँ होंगी वो स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करेगा फिर से। पिछली गर्मियों में मैंने उसको करवा दिया था जून में स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन, तो उसने सोचा था जैसे ही उसकी छुट्टियाँ होंगी वो फिर से स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करेगा। बट अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जैसे होता है ना कि ये बच्चे एग्ज़ाम दे के फ्री होते हैं तो न्यू बुक्स उसको था, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। अभी तो रिपोर्ट कार्ड ही नहीं आया है तो बुक्स की तो बात ही नहीं कर सकते। तो और मुझे बस एक चीज़ का अफसोस रहा है, मेरे घर में शादी पड़ी और मुझे शॉपिंग करनी थी, धुआंधार वाली शॉपिंग, तो कुछ भी नहीं खरीद सकती अभी मैं। कोई नहीं, जैसे ये सब ठीक हो जाएगा, भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, तो फिर मेरी लिस्ट तैयार है। और मैं सोच सोच के डेली लिस्ट बनाती जाती हूँ, लिस्ट मेरी तैयार है, बस शॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मई में शादी है मेरे घर में तो शॉपिंग करना ज़रूरी है। और आपको पता ही है कि लेडीज़ और शॉपिंग में पीछे हो ही नहीं सकता, तो हाँ मुझे भी शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत बड़ी दुकान से, मॉल से या ऐसे शॉपिंग करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे कहीं से भी, मुझे तो रोड साइड शॉपिंग भी पसंद है, मुझे हर जगह, मुझे लेकिन शॉपिंग करना पसंद है चाहे किसी भी टाइप की हो। तो और मार्केट जाके मुझे नई नई चीज़ें देखना पसंद है, लूँ या ना लूँ मुझे देखना भी पसंद है। और हर लेडीज़ को पसंद होता है, जैसे कि अगर 10 साड़ी निकलवाएगी कोई औरत तो उसमें से 2 लेती हैं। तो बस हम लोगों को नई नई चीज़ें देखना पसंद होता है, चाहे ज्वेलरी हो, कॉस्मेटिक हो, कपड़े हो, जूते हो, घर के चद्दर तौलिए हो या ग्रोसरी का सामान हो। तो हम 10 चीज़ में से एक चीज़ इसीलिए पसंद करते हैं कि हमें चीज़ों को छांटना, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए हमारे पास, ये अच्छा लगता है, उसमें से बेस्ट निकालना और चीज़ों को देखना, वैरायटी देखना अच्छा लगता है। तो बस मेरी चाय तैयार हो रही है और कच्चे दूध की चाय मैं सुबह सुबह बना के पीती हूँ, और मुझे कच्चे दूध की चाय बहुत अच्छी लगती है। आप भी बताना किसको कच्चे दूध की चाय अच्छी लगती है। मैं इसको छान रही हूँ और यही कच्चा दूध मैं चाय में डालूंगी, और इसका जो टेस्ट आता है ना बहुत अच्छा आता है। दुबे जी, ब्रश हलिया, अच्छा, ठीक है। जब मेरी सास ने पहली बार सुना था कि मैंने इसको दुबे जी बोला है तो मुझे कहती थी हाँ दुबे जी की अम्मा, और मुझे ये आदत इनके संग रह रह के पड़ी है।
लोग आते थे पूछते थे दुबे जी हैं, दुबे जी हैं, दुबे जी हैं, मेरी भी रिप्लाई करते करते आदत पड़ गई, नहीं दुबे जी घर पे नहीं है, हाँ दुबे जी घर पे हैं, या दुबे जी अभी नहीं है बाद में आएंगे, तो अब तो वो नहीं बोलती हैं, लेकिन जब उन्होंने शुरू शुरू में सुना था तो मुझे उन्होंने कहा हाँ दुबे जी की अम्मा। अब तो खैर मेरी आदत हो गई। अंश को मैंने दूध, पोहा और चीनी दे दिया है। ये वाली अंश के पापा की, ये वाली मेरी, क्वांटिटी दोनों में सेम होती है, बस ये मग बड़ा है। इसमें पाउडर्ड शुगर है और हमें चाहिए सिरका, जो हम चाइनीज फूड में डालते हैं, जो नूडल्स वगैरह में डलता है वो सिरका चाहिए हमें, दूध, बटर, बस इतनी चीज़ें चाहिए, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। तो इसमें मैं पहले डालूंगी मैदा, ये देखिए ये मैदा है 1 चम्मच, दो चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच और 6 चम्मच। 6 चम्मच इस वाली चम्मच से भर भर के मैंने मैदा डाला है और उसके बाद इसमें 2 चम्मच में डालूंगी पाउडर शुगर, ये देखिए ले लिया। उसके बाद इसको ये ऐसे बिल्कुल, 1 चम्मच और ये भर दिया, 2 चम्मच पाउडर शुगर डाल दिया मैंने और इसमें अब डालेंगे हम, अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप वेजिटेबल ऑयल भी यूज कर सकते हो। इसमें हम डालेंगे अब सिरका, बहुत थोड़ा सा, ये वाइट विनेगर है जो आप खाना बनाने में यूज करते हो, बहुत थोड़ा सा सिरका। और अगर आपके पास कोई चॉकलेट चिप्स वगैरह हो या कोई टॉफी या चॉकलेट हो तो उसको तोड़ के उसको भी डाल सकते हैं इसमें, मेरे पास अभी नहीं है। और ये बेकिंग सोडा जो आप खाना खाने के लिए मीठा सोडा यूज़ करते हो खाना बनाने के लिए खाने में, तो वो मैं डाल दूँ 1 चुटकी। और ये है बेकिंग पाउडर, इसे मैं डालूँगी 1/4 स्पून से थोड़ा सा कम, ये देखिए बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा। बज रहे हैं 6:30 और मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। दिन में मैंने खाने में बनाया था लौकी वाली दाल, बहुत लोग घिया कहते हैं, हमारे यहाँ लौकी कही जाती है तो घिया वाली दाल कह लीजिए या लौकी वाली दाल और चावल बनाया था मैंने, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। अंश चावल नहीं खाता, उसको चावल नहीं पसंद है, तो उसके लिए मैंने रोटी बनाई थी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में कपकेक बनाने, दोपहर में मैंने बनाया था कपकेक, लेकिन अंश बोल रहा है कि फिर से बना के दो मुझे, तो मैं फिर से बनाऊंगी और इस बार 2 मग में बनाऊंगी मैं। और ये सिरेमिक जो चीनी मिट्टी वाले कप होते हैं वो ले लिया है मैंने, ये कॉफ़ी मग है, इसमें बनाऊंगी मैं। तो दोपहर में तो बहुत अच्छा बना था, मैंने ट्राई किया था, बहुत ही ईजी है, कोई भी बना सकता है, घर में जो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं उससे बनता है, बहुत जल्दी बहुत आसानी से बन जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या क्या डलेगा। मैंने ये स्पून ले ली है, अगर आपके पास मेजरिंग स्पून है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने ये वाली स्पून ली है।
जो जीरे वगैरह के डिब्बे जो आप बाहर से लेके आते हो उसमें मिलती है, तो ये वाली स्पून ली है मैंने। इस स्पून से मैं डालूंगी 6 स्पून मैदा, भर भर के पूरा 6 स्पून। और हमें पाउडर्ड शुगर चाहिए। ये जो चीनी है इसको मैंने मिक्सर में पीस लिया है, तो ये पाउडर, इसमें पाउडर्ड शुगर है। और हमें चाहिए सिरका, जो हम चाइनीज फूड में डालते हैं, जो नूडल्स वगैरह में डलता है वो सिरका चाहिए हमें। दूध, बटर, बस इतनी चीज़ें चाहिए। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। तो इसमें मैं पहले डालूंगी मैदा, ये देखिए मैदा है 1 चम्मच। दो चम्मच, तीन चम्मच, चार चम्मच, पांच चम्मच और 6 चम्मच। 6 चम्मच इस वाली चम्मच से भर भर के मैंने मैदा डाला है। और उसके बाद इसमें 2 चम्मच में डालूंगी पाउडर शुगर, ये देखिए ले लिया। उसके बाद इसको ये ऐसे बिल्कुल, 1 चम्मच और ये भर दिया। 2 चम्मच पाउडर शुगर डाल दिया मैंने। और इसमें अब डालेंगे हम, अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप वेजिटेबल ऑयल ही यूज कर सकते हो। इसमें हम डालेंगे अब सिरका, बहुत थोड़ा सा, ये वाइट विनेगर है जो आप खाना बनाने में यूज करते हो, बहुत थोड़ा सा सिरका। और अगर आपके पास कोई चॉकलेट चिप्स वगैरह हो या कोई टॉफी या चॉकलेट हो तो उसको तोड़ के उसको भी डाल सकते हैं इसमें, मेरे पास अभी नहीं है। और ये बेकिंग सोडा जो आप खाना खाने के लिए मीठा सोडा यूज करते हो खाना बनाने के लिए खाने में, तो वो मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी। और ये है बेकिंग पाउडर, इसे मैं डालूंगी 1/4 स्पून से थोड़ा सा कम। ये देखिए बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा। तो इसमें मैं डालूंगी इस समय वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड ऑयल, आपके पास बटर है बटर डाल दीजिए, मलाई है मलाई डाल दीजिए। तो ये मैं इसको डालूंगी चिकनाई के लिए थोड़ा सा, ये देखिए 1/2 चम्मच है, बस चिकनाई के लिए चाहिए। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास कंडेंस मिल्क इस समय अवेलेबल नहीं है। जैसे आपको पता ही है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो जो घर में है उसी से ही बनाना है। अब इसको हम दूध लेंगे और दूध से फेंटेंगे। तो दूध बिल्कुल जो घर वाला होता है वही है जो हम चाय के लिए यूज करते हैं, कोई भी ऐसा कच्चा दूध, गर्म दूध, ठंडा दूध नहीं है, रूम टेम्परेचर पे है। तो जो ये हमने पहले डाला है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे मैं फोक से मिक्स कर रही हूं अच्छे से। पहले जितनी भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी गांठ ना रह जाए, फिर इसमें दूध डालेंगे। और जितना अच्छा हम इसे मिक्स करेंगे फेंटेंगे उतना अच्छा बनेगा ये फ्लफी। और दोपहर में मैंने बनाया था बहुत थोड़ा सा, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बना था, आप भी बनाइएगा। और उस समय मैं अंश मेरे फ़ोन में कुछ देख रहा था तो मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं अब फिर से बना रही हूँ, तो आपके संग रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी तो सॉरी, क्योंकि टीवी देख रहा है अंश। तो बस ये ड्राई जो है सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालूंगी, मिक्स करती जाऊंगी। और स्पून से अच्छा फोक से मिक्स होता है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि फोक से ही कांटे वाले चम्मच से मिक्स करें। ये देखिए चम्मच से मैंने दूध डाल दिया, एक साथ अगर दूध आप डालेंगे तो गीला गीला सा हो जाएगा ज़्यादा, तो ये मैंने दूध डाल दिया। और फिर से ये फोक से मिक्स कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल है, कोई भी बना लेगा, बहुत से लोग जानते भी होंगे बनाना। लगा है।
हूँ थोड़ा सा। अब फिर से मैं मिक्स करूंगी और ये मैं दो मग में इतना ही बनाऊंगी, दो मग में केक बनाऊंगी। आप ये देख सकते हैं मैंने इसे माइक्रोवेव में रख दिया है दोनों मग को, और ये प्लेट जो है थोड़ी सी गंदी हो रखी है, अंश ने पिज्जा बनाया था तो इसे मैं साफ करूंगी अभी। और ये दोनों मग मैंने रख दिया है माइक्रोवेव में, एक मिनट का टाइम सेट करूंगी। अभी देखिए मैंने माइक्रोवेव में टाइम वगैरह बिल्कुल भी सेट नहीं किया है, एक मिनट का टाइम सेट करूंगी, उसके बाद इसे निकालूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये मग केक कैसा बनता है। था मैंने और एक ये बनाया था, ये देखिए मैंने निकाल दिया और ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, ये देखिए, और बहुत ही जल्दी से आराम से बन जाता है। तो आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है आपसे भी इतना ही अच्छा, मेरे से भी अच्छा बने। इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं केक में, आप चाहे तो वनीला एसेंस, चॉकलेट चिप्स और कुछ भी डेकोरेशन के लिए या फ्लेवर के लिए ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो, चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, जो भी पसंद हो वो फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐसे घर में जो भी था उसी से ही बनाया है और अच्छा बनाया है। तो ये वाला जो दूसरा वाला है वो मैं और अंश के पापा खाएंगे, अंश अपना खा रहा है तो मैं इसको खा लेती हूँ अंश के पापा के संग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये वीडियो जो अब जाएगा ये कल का वीडियो है, कल मैंने इस वीडियो का एंड नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो है ना कि घर घर का काम कर करके कई कई बार होता है कि थक जाती हूँ मैं, कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। कुछ मतलब कि अलग से भी काम होता है, ये भी काम निकाल लो, वो भी काम निकाल लो, तो बस कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो इस वीडियो का एंड नहीं कर पाई हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, दिन है संडे का, और आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अपने फेस की क्लीनिंग कर लूँ, तो देखिए कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सोचती हूँ कि ये कर लूँ वो काम तो होता नहीं है, दूसरा काम उठा के बैठ जाती हूँ। तो सोच रही हूँ कि आज फेस की क्लीनिंग करूँ। और कल जो मैंने केक बनाया था वो दोपहर वाला तो अच्छा बना था, और शाम वाला मतलब उतना अच्छा नहीं बना था, फेटा मैंने कम था, मतलब केक को जितना अच्छा फेटोगे उतना ही अच्छा बनेगा, बुरा नहीं बना था लेकिन उतना ज़्यादा फ्लफी नहीं था। दोपहर वाला बहुत अच्छा बना था, उसको मैंने बहुत ज़्यादा देर तक फेटा था, शाम वाला मैंने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं फेटा था कि मुझे कुछ काम करना था, पता नहीं क्या डिनर की प्रिपरेशन करनी थी या कोई काम करना था, मुझे कुछ करना था तो उतना फेटा नहीं था मैंने, लेकिन फिर भी अच्छा ही बना था, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते, ठीक बना था। आप भी बना के देखिएगा, बहुत ही इजी है। इन्होंने मेरे से कल बदला लिया था, उस दिन मैंने दो तीन दिन पहले वाली वीडियो में मैंने इनकी आँख में संतरे का रस डाला था, तो कल मैं यहाँ बैठी हुई थी आराम से, ये चुपचाप आए और मेरी आँख में इन्होंने संतरे का रस डाल दिया, और एक में नहीं दोनों आँख में डाल दिया, और उनका देख के बेटा भी आके वो उसने भी मेरे ऊपर हमला कर दिया, दोनों बाप बेटे ने एक साथ ही मेरे पे हमला कर दिया। हंस रहा है। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये दोनों मेरे संग ऐसा करेंगे, धोखा। चलिए मैं भी फिर मैं भी छोड़ूंगी थोड़ी ना, मैं भी बदला लूँगी। ख़त्म करती हूँ इस वीडियो को, तो अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहिएगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।